आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है ई 99 एक्सप्रेस टीवी में। जिलेवार रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के अन करीब 8 लाख तलबा में से 21.4% ने चहारशंबे को स्कूल में शिरकत की। शहर के सरकारी स्कूलों के मुकाबले में निजी इमदाद याफ्ता गैर इमदादी स्कूलों में हाजिरी का तनासिब कम है। पूरे तेलंगाना में 52 लाख के अन करीब तलबा में से 12 लाख ने ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत की। स्कूल में हाजिरी का तनासब 21.77 था। सबसे ज़्यादा हाजिरी का फ़ीसद यानी 35 वरंगल में रिपोर्ट किया गया। निज़ामाबाद में कम से कम फ़ीसद यानी 18.19 रिपोर्ट किया गया। हॉस्टल की सहूलियत वाले रहायशी समाजी बहदूद और कबायली फलाह व बहदूद के स्कूलों को छोड़कर हैदराबाद और तेलंगाना के दिगर अजला में तमाम स्कूल दोबारा खोले गए। हैदराबाद के चंद स्कूलों में थोड़ा सा त्यौहार माहौल देखा गया, जबकि तलबा ने पहली बार मौजूदा तालीमी साल के लिए क्लासों में शिरकत की। क्लासरूम्स में तलबा चेहरे के मास्क पहने और सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए देखे गए। चूँकि पहले दिन चंद तलबात हाजिर हुए, स्कूल इंतजामिया को सामाजिक दूरी को यकीनी बनाने में दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ प्राइवेट स्कूल्स चहारशंबे को नहीं खुले, क्योंकि उस बारे में फैसला नहीं कर सके कि ऑफलाइन क्लासेस चलाएं या ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। मंगल के रोज़ तेलंगाना हाईकोर्ट ने उसे स्कूल मैनेजमेंट पे छोड़ दिया कि वो या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले। इसके अलावा अदालत ने कहा कि तलबा को ऑफलाइन क्लासों में जाने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।